पाकिस्तान जैसा देश कब दावा करे और उस दावे से पलटी मार दे, कुछ कहना मुश्किल नहीं। पाकिस्तान पहले झूठ का पुलिंदा बांधता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका सफेद झूठ दुनिया के सामने आ जाता है। 27 फरवरी की दोपहर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि भारतीय एयरफोर्स के एक पायलट उनके कब्जे में है, जबकि दूसरे भारतीय पायलट को सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराई जाने की बात कही थी। लेकिन शाम होते होते वो अपने इस बयान से एकदम मुकर गए। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के दो जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज के गिरने की इत्तला है, जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। दो पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी रेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है, उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMS मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास। दोपहर में ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रविश कुमार ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि की थी कि एक MiG-21 क्रैश हुआ है और एक पायलट मिसिंग है। अबाउट काउंटर टेररिज्म एक्शन इट टुक यस्टरडे अगेंस्ट अ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ जैश ए मोहम्मद इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस दैट जैश ए मोहम्मद इंटेंडेड टू लॉन्च मोर अटैक्स। Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to her high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. तो विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने बयान से पलटी मारते हुए भारतीय पायलट अभिनंद की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ एक भारतीय पायलट पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में है। ये वही पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान मुंह में अमन और बगल में आतंकी रखते हैं। जो पाकिस्तान अपनी बात से बार बार पलट जाए, उसकी बात कर यकीन करना कितना सही होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।